अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं तैयबा शुक, और गोल्ड मार्केट है, और आपको दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है ना मिशो। तो इस तरह से आपको चलते हैं और आगे दिखाते हैं। और हम लोग पहुँच चुके हैं पार्किंग में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं तैयबा मार्केट। तो हम लोग पहुंच चुके हैं तैयबा मार्केट और इंटर कर चुके हैं हम लोग। और ये ओलाइया स्ट्रीट में पड़ता है। और ये देखिए, ये गोल्ड का है शॉप, और ये काफ़ी बड़ी शॉप है। और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं जो गोल्ड और डायमंड के हैं, और इस तरह से लगे हुए हैं डिस्प्ले में, डायमंड के भी, गोल्ड के भी। और वैरायटी काफ़ी अच्छा है यहाँ का, बहुत सारे डिज़ाइन है, लेटेस्ट डिज़ाइन है। बट ये 22 कैरेट का नहीं है, 21 कैरेट का है। और सऊदी गोल्ड 21 कैरेट का होता है ज़्यादातर, 22 का बहुत कम ही शॉप्स वाले हैं जो इस अपने शॉप्स में रखते हैं। और डायमंड का तो भी बहुत है, और कलेक्शन तो इनके पास बहुत ही अच्छी है, और बहुत कलेक्शन है। ये देखिए, ये डायमंड के, और इस तरह के बहुत सारी दुकानें हैं। आप जब इंटर करेंगे तो इंटर आप फर्स्ट ही शॉप से आप बहुत सारे कलेक्शन देख सकते हैं। और ये देखिए, गोल्ड में क्या डिज़ाइन है ये मुझे बहुत पसंद आया है। ये जो करे हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन है ये। और रियल में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन था ये। और ये देखिए, नेक पीस देखिए, काफ़ी अच्छा है नेक पीस। और आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है। एक्चुअली ये मार्केट, तैयबा मार्केट, गोल्ड डायमंड एंड जो अरबी कपड़े होते हैं और अबायास के लिए मशहूर है ये। अबायास यहाँ पे कलेक्शन बहुत मिल जाएंगे आपको, और बहुत अच्छे अच्छे और रिजनेबल प्राइस में भी मिल जाएगी। आगे मैं आपको वो भी एक्सप्लोर करूँगी और दिखाऊँगी मैं आपको। पहले ये हम इंटर करते ही गोल्ड मार्केट से स्टार्ट हो गया था, यहाँ से हमने आपको दिखाना शुरू किया। ये देखिए डायमंड का। और हमने सारे दुकानों में तो जाके नहीं, एक दो दुकान में जाकर हमने इसको कवर करने की कोशिश की, बाकी विंडो शॉपिंग आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये देखिए डिज़ाइन, क्या डिज़ाइन है ये, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत और लेटेस्ट डिज़ाइन है ये, बहुत सुंदर लगते हैं आप। ये लॉन्ग चेन वाले जो ज्वेलरी होती हैं, और ये देखिए ये पर्स, और पर्स की भी बहुत सारी कलेक्शन थी। एक लेन पूरा आपको मिल जाएंगे पर्स की, जो क्लचेस होते हैं, हैंड पर्स होते हैं, और ये काफ़ी शाइनी और काफ़ी खूबसूरत था ये। और ये मैंने पूछा तो ब्रांड का, तो ये अरबिक होते हैं, उनको इतना कुछ समझ नहीं आता है, और मुझे कोई अरबिक उतनी आती नहीं है। और ये देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत था, ये बहुत फैंसी और बहुत खूबसूरत, लेकिन प्राइस काफ़ी हाई था ये। आपको 300-400 रियाल के थे, 480 मैंने जो ब्लैक वाला शाइनी जो दिखाया आपको वो था। तो प्राइस ऐसा नहीं है कि रिजनेबल है ये, प्राइस काफ़ी हाई है। और मैंने पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बोला कि क्वालिटी है इसीलिए। और ये देखिए अबाया, इस तरह के आपके स्टाल लगे हुए मिल जाएंगे अबायास के, और काफ़ी अच्छे, और वैरायटी और मटेरियल इसके काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए, ये मुझे पसंद आया, बट मुझे अब ये मेरे हस्बैंड बोला कि ओपन है फ्रंट से, तो इसलिए हमने नहीं लिया। ओपन फ्रंट से तो लेते, लेकिन वो 20 मिनट लेती और उसको बटन स्टिच करके देता। तो इस तरह से तो हम लोग नहीं लिए कि नेक्स्ट टाइम आएंगे अभी, और हमारे इंडिया जाने की भी तैयारी शुरू हो रही है।
और इंशाल्लाह हम लोग जल्दी ही इंडिया जाएंगे। और मेरे हस्बैंड को ये पसंद था, यही बार बार कलर निकाल के देख रहे थे। और कपड़ा बहुत अच्छा था, ये थोड़ा ठीक था ये कपड़ा, और जैसे अभी सर्दी स्टार्ट हो जाएंगी उसके लिए अच्छा था। और आप अपने से भी इसमें स्टिच बटन लगा सकते हैं या ना भी लगाए तो भी चलेगा, आजकल फैशन चल रहा है इस तरह से। और ये देखिए, ये सॉफ्ट था, मटेरियल खैर बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के। और प्राइस इन सब का 100 रियाल का था, ये कोई सा भी लीजिए 100 का। तो ये स्टॉल लगा हुआ था इसमें हमने देखा, और दुकान के अंदर में भी हमने जाके एक्सप्लोर किया ही इस तरह से। तो ये देखिए काफ़ी शाइनी था, और कफ में ये इलास्टिक लगा हुआ था ताकि अच्छे से होल्ड कर पाए, आप हाथों ऊपर नीचे करें तो ये अबाया ऊपर ना खींचे, इस तरह के था। बहुत सुंदर लग रहा था, इस तरह तो मुझे लेना नहीं है, लेकिन जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा नहीं हूँ, इंशाल्लाह मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये बहुत ही वैरायटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शाइनी कपड़े थे, मैट फिनिश के भी कपड़े थे, और कलरफुल भी थे, डिज़ाइनर भी थे, और स्टोन वर्क वगैरह थे। और मैंने काफ़ी जगह पे देखा, मैंने ये सब काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा अच्छा डिज़ाइन था, ब्यूटीफुल डिज़ाइन था, और एक से एक कपड़े थे। इस तरह के बहुत सारे स्टाल आपको मिल जाएंगे, 90s में थे, 90 रियाल में थे, कहीं पे 70 रियाल, 80 रियाल, जिस तरह के जो मटेरियल है जैसा है, जैसे ऑफ सीजन हो, इस ऑफ सीजन जैसे होते हैं नया लेटेस्ट आ जाते हैं, तो ये पुराने वाले जो होते हैं वो सेल में निकल जाते हैं। तो इस तरह से इस तरह के बहुत सारे हैं, जब जाएंगे तो आपको अच्छी अबायाज मिल जाएंगी 100 में। और आप लेटेस्ट लेंगे और न्यू करेंट का जो लेंगे, तो जो अभी नया फैशन में चल रहा है तो वो भी 350-450 करके है, लेकिन उस सब में डिस्काउंट होता है। और 350 का था तो 250 में दे रहे थे लोग, और इस तरह से कहीं 180 का भी था, और अलग अलग प्राइस रेंज के थे। और ये देखिए, ये अरबिक ड्रेस है, नेशनल डे आने वाला है, तो इस तरह से ग्रीन, और ये इस तरह से कपड़े आपको हर स्टॉल में आपको मिल जाएंगे, स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पे ऐसे, और बहुत अच्छे ये हैं। और ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट था ये, इस तरह के आपको स्टाइल इस तरह के बहुत सारे लगे हुए मिल जाएंगे। अबायास का तो खैर आप जाएंगे तो अबायास तो ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइस में भी है। और आगे वाले तो देखिए ये सब, और काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, आप ये देखिए, ये दोनों तरफ मार्केट है, बीच में छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं पर्स के, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के, और बहुत सारे ऐसे इस तरह से वॉचेस के। ये देखिए ये 300-400 रियाल के हैं। और इसमें से मैंने पूछा भी कि एक लेदर की तरह से दिख रहा था, तो कि क्या ये लेदर है या, तो उसको तो पता ही नहीं था ये क्या है। तो इस तरह से काफ़ी आपको अच्छे अच्छे क्लचेज, हैंड बैग और फैंसी पार्टी वेयर ये सब पर्सेस मिल जाएंगे, सैंडल्स वगैरह ये सब रखती हैं। ये लाइन से एक लेन में पूरा लगा हुआ है, आप घूमते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए और देखते जाइए, एक से एक दुकानें, एक से एक आपको ये सब देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये हमने शॉप के अंदर में एक्सप्लोर किया था, तो ये देखिए, ये इस पे एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी थी, ये भी पसंद आई थी हमको, पर मुझे एम्ब्रॉयडरी सेम कलर में चाहिए, ब्लैक है तो ब्लैक में चाहिए, और इतनी बड़ी एम्ब्रॉयडरी नहीं चाहिए। तो खैर हमने वहाँ से तो नहीं लिया। तो ये देखिए अच्छी अच्छी है, जिनको एम्ब्रॉयडरी पसंद है कलरफुल तो वो ले सकते हैं। और
ये 150 के थे, 100 150, ये इस लेन में, ये यहाँ पे 100 के, ये सब 100 के। काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, अबायास तो बहुत है यहाँ पे, पूरी दुकानें अबायास और गोल्ड डायमंड ज्वेलरी से पड़ी है। जाएंगे तो एक से एक मिलेगा ये। ऐसे मेरे पास है कलर में, तो इसलिए पूरा भरा हुआ है यहाँ से। अब ये हम शॉप में आ चुके हैं, यहाँ पे ये देखिए इसका, ये गोल्ड टंगे हुए हैं, इतने सारे गोल्ड, और रियल गोल्ड है ये, और इस तरह से। तो हमने एक रिंग भी देखा तो पसंद आया, 21 का एक डिज़ाइन अच्छा था, लेकिन थोड़ा साइज़ का मसला हो रहा था, बोल रहा था वो ठीक करके दे देगा, कट करके वहाँ से बना देता है, फिर भी हमने वहाँ से नहीं लिया, क्योंकि हमें 22 का ही लेना था। तो बस इस तरह से हमने एक कमरधनी जो होता है वो आगे दिखाएंगे आपको, मैंने उसको निकलवाया और पहन के मैं दिखाती हूँ आपको ऐसा लगता है। तो ये देखिए वॉचेज है, गोल्ड वॉचेज, ब्रेसलेट्स इस तरह से हैं पूरा, ये पूरे डिस्प्ले में है। देखिए ये कमरधनी, और मैं इसको पीछे से बैक से पकड़ के हूँ, काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी हेल्दी लोग भी इसको वियर कर सकते हैं, इसमें बहुत लंबी चेन थी, अब बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो मैं पूछ रही थी कि ये क्या 21 है या 22, तो उन्होंने बताया कि नहीं ये 21 का रेट है। तो 21 में काफ़ी डिज़ाइन है अवेलेबल, अगर आपको लेना हुआ 21 कैरेट तो आप ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।